press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Singh Rashi Phal, August 2018, Leo Horoscope for August 2018. Motu Lala में आप लोगों का स्वागत है मित्रों. मेरे सिंह राशि वाले मित्र अपना अगस्त 2018 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे. तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ सिंह राशि का अगस्त 2018 का मासिक राशिफल. तो चलिए शुरू करते हैं. ये महीना आपके लिए ग्रह गोचर के अनुसार अधिकांशतः सकारात्मक रहेगा. रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे. सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें. शत्रु पक्ष कुछ कमजोर होगा. मेरे सिंह राशि वाले मित्र इन दिनों खर्चों में अधिकता महसूस कर सकते हैं. संतान संबंधित किसी शुभ समाचार के मिलने से आप गर्वित महसूस होंगे. मेरे कारोबारी सिंह राशि वाले मित्र समय को शुभ फलप्रद पाएंगे. कारोबारी मामलों में अनुकूलता रह सकती है. हालांकि इस समय में अधिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है. वहीं नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय उतार चढ़ाव पूर्ण बना हुआ है. नौकरी में ट्रांसफर आदि के योग बन रहे हैं. अस्थायी कर्मचारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. साथ ही उच्च अधिकारियों से अनबन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इस समय आपको सबसे सावधान रहना चाहिए. मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के लिए ये समय विशेष खर्चों का समय है. अनावश्यक यात्राएं होंगी और उन्हें आप रोक भी नहीं पाएंगे. भागीदारी के मामलों में विशेष सफलता मिलेगी. काम आगे बढ़ेगा. आर्थिक लाभ भी रहेगा. ऋण के लेन देन की मात्रा बढ़ेगी. अचानक धन प्रबंध करने की आवश्यकता हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा महीना है. यदि विवाह में देरी है तो प्रेम संबंध थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. यदि विवाहित हैं तो संतान के लिए थोड़ा कष्टकारक समय है. संतान संबंधी समस्याएं यथावत बनी रहेंगी. कुटुंब के मामलों में भी थोड़ा सा विवाद होगा और आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी. इस महीने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने और उसके अनुकूल ही खान पान पर ध्यान दें. मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के लिए यह समय स्थिर गति से आगे बढ़ने का है और शांत और तकाजों से मुक्त समय है. अतः इस समय आपको अतिरिक्त आमदनी, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि एवं मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. जल्दी से पैसा कमाने और प्रत्याशित लाभ जीत पाने के भी मौके मिलेंगे. यह सिर्फ कार्यक्षेत्र में ही नहीं बल्कि घरेलू पारिवारिक दायरों की ओर सहोदरों के साथ भी संबंध सुधारने का उत्तम समय है. पैसा और प्यार दोनों ही आपको अच्छी उपलब्धियां कराएगा. इस समय व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन होने से आप मौज शौक में डूबेंगे. लेकिन आप जरूरत से ज्यादा नहीं डूबे क्योंकि इसमें स्वास्थ्य खराब होने, दुर्घटना इत्यादि की भी संभावना है. साझेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें. अनुबंधों के समय पूरे होशो आवास में तर्क वितर्क कर पूर्णतः संतुष्ट होकर ही कार्य करें. तो मित्रों, इन सब बातों का क्या सार निकलता है? तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों का मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ता है. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में अगस्त 2018 के लिए. मेरे सिंह राशि वाले मित्रों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं. स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी. अपने मनोबल को कमजोर न होने दें. मित्रों, अब बात करते हैं मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के धन संपत्ति के बारे में. आर्थिक क्षेत्र में मेरे सिंह राशि वाले मित्र पुराने आय स्रोतों पर अधिक ध्यान देंगे. परिश्रम के अनुपात में धन की आमदनी कम होगी. संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी मामलों में शीघ्रता पूर्वक निर्णय ले लेंगे. मित्रों, अब बात करते हैं मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के कार्य व्यवसाय के बारे में. कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं मेरे सिंह राशि वाले मित्रों को विचलित कर सकती हैं. अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान दें. व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धीमी गति से लाभ होगा. मित्रों, अब बात करते हैं मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के प्रेम संबंध के बारे में. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. मेरे सिंह राशि वाले मित्र आवेग में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. मित्रों, अब बात करते हैं मेरे सिंह राशि वाले मित्रों के दाम्पत्य जीवन के बारे में. परस्पर सुख सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की
आवश्यकता रहेगी। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं एक सुनहरा उपाय जिसे करने से मेरे सिंह राशि वाले मित्र अपने समस्त ग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं और इस महीने धन, सुख, समृद्धि और वैभव आसानी से पा सकते हैं। तो उस उपाय को करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लौंग, इलायची एवं मीठा पान चढ़ाने से सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में पा सकते हैं हमारे लाइव सेशन में जुड़ के। तो देखते रहिए मोटू लाला और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।